told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. Assalamu alaikum guys, अभी मुझे पता चला है कि हमारे घर जंगली मक्खियां आ गई हैं। ठीक है, ये देखें। ये जंगली मक्खियाँ अपना घर बना रही हैं। अभी सिर्फ 3-4 हैं, इनको भगाना पड़ेगा, वरना ये इनका पूरा झुंड आ गया तो भाई यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इनके लिए मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, मैं आग जला के इनको धुआं लगाता हूँ, ये यहाँ से निकल जाएंगे, और इनका जो घर है छता वो भी तोड़ देता हूँ, फिर ये वापस यहाँ पर नहीं आएंगी, वरना इधर रहना और यहाँ से गुजर के जाना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये घर बना रही हैं, शुरू में है, तो इनको पहले यहाँ से फुर करवाते हैं। Wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. अच्छा, तो गाइज ये मैंने अभी बना के लाया, ये मुट्ठा है आग जलाने के लिए। ठीक है, ये मैंने तैर बांधा है एक लकड़ी के साथ, तो इसके साथ मैं अभी आग जलाऊंगा और धुआं लगाऊंगा, उनका जो घर है वो तोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हैं, इनको तोड़ना ज़रूरी है। अभी 4 हैं, कल परसों ये 10 हो जाएंगे, फिर बहुत सारी हो जाएंगी, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं इनका घर तोड़ता हूँ और फिर बस ये भाग जाएंगे यहाँ से। उम्मीद है, दुआ करो आपके भाई को खा ना ले, इनका ढंग बहुत बुरा होता है भाई साहब, एक बार जिसको लग जाता है ना बुखार नहीं होता दूसरी बार उसको। तो चलो फिर इसको भगाते हैं इनको। अच्छा, तो भाई साहब ये रहा इनका घर, ये मैंने इनका घर तोड़ दिया है, और ये मेरे ख्याल से ये बच्चे हैं इनके, ये अंडे हैं या क्या है, ये देख सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कितने ज़्यादा हैं ये आपको, ये देखें ये बीच, ये इन्होंने घर बनाया था और ये यहाँ पे बच्चे देंगे। ठीक है, तो यार इनको यहाँ से गिराना लाजमी है, क्योंकि ये डेंजरस है और बच्चों को खा सकती हैं, बड़ों को खा सकती हैं, इसीलिए इनका घर तोड़ दिया मैंने, अब ये यहाँ पे नहीं आएंगी। इनको मैंने धुआं लगाया इसके साथ तो सभी भाग गई हैं। ये इनका घर इधर ऊपर लगा हुआ था, ये मैंने तोड़ दिया है और ये अभी नीचे गिर गया, इसको मैं इधर से बस ये ठीक हो गया, अभी काम ओके हो गया, ये यहाँ से भाग गई। 3-4 नहीं थी, बहुत सारी थी, अंदर घुसी हुई थी, बाहर जो थी वो सिर्फ गाइस 3-4 थी, अंदर ज़्यादा निकली हैं। जब धुआं लगा है ना इनको तो भाग गई हैं सारी, निकल के दस्ती भाग गई। अगर मैं धुएं के बगैर इनको इनके घर के साथ छेड़ता ना तो ये फ़ौरन मुझ पर हमला कर देती, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बच्चे छोड़ने थे, और चलो अच्छा हो गया कि भाग गई हैं और यहाँ से अब कोई ख़तरा नहीं है। तो यार चलो बस इतना काम था, निकलते हैं यहाँ से, कहीं से धुआं निकल रहा है, यह ना वो घर को आग लगी हो, नहीं मुसीबत तो फिलहाल ओके, कोई मसला नहीं। तो भाई साहब आज की वीडियो बस इतनी ही थी, मक्खियों को भगा दिया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरे और व्लॉग नहीं देखे तो यार किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ मेरे व्लॉग देखो। मैं गाँव में रहता हूँ, आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ, तो यहाँ के हर देसी पहाड़ी देसी वलायती सब व्लॉग बनते रहते हैं, तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक लाजमी करना और अदर व्लॉग को भी लाजमी देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।